मोदी लूट की नई कहानी, साहब का लूट और छूट का फसाना, देश की जनता को टैक्स से ठगना, रुचि सोया, जिस दिवालिया कंपनी को बाबा रामदेव की पतंजलि ने दिसंबर 2019 में खरीदा था, उसी का पब्लिक इशू बाजार में आ रहा है। पतंजलि इसके जरिए 4300 करोड़ जुटाना चाहती है। जनता के इस पैसे का इस्तेमाल 4350 करोड़ का कर्ज उतारने में किया जाएगा। रुचि सोया और पतंजलि दोनों इस देश में कॉरपोरेट की लूट और बैंकों को खोखला करने की सरकारी छूट का ज्वलंत उदाहरण है। रुचि सोया के दिवालिया होने पर कंपनी के ऊपर 12,146 करोड़ का कर्ज था। SBI ने 933 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। PNB, सेंट्रल बैंक और बाकी बैंकों ने भी कर्ज माफ किया। आधे से ज्यादा लोन माफ करने के बाद NCLT ने कंपनी की बोली लगाई और अडानी के पीछे हटते ही पतंजलि ने 4350 करोड़ में रुचि सोया को खरीद लिया। ये 4350 करोड़ बाबा ने अपनी जेब से नहीं लगाए, बल्कि अपने रसूख का इस्तेमाल कर बैंकों से 3,250 करोड़ का कर्ज लिया। यानी SBI जैसे जिन बैंकों ने रुचि सोया का कर्ज माफ किया, उन्हीं बैंकों ने उसी कंपनी को दोबारा लोन दिया। यह एक बेमिसाल घोटाले की शुरुआत थी। लोन की सिक्योरिटी रुचि सोया की स्टॉक वैल्यू थी, जो दिवालिया होने के कारण घटकर 0 रह गई थी। लेकिन बाबा रामदेव ने सत्ता की कृपा से सब मैनेज कर लिया। SEBI का नियम कहता है कि किसी भी कंपनी का 25% शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, ताकि पैसे की तरलता बनी रहे। बाबा ने NCLT को चूना लगाकर 1% शेयर ही जारी किए। SEBI चुप रहा। फिर बाबा और उनके भक्तों ने शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर की कीमतों में भारी घोटाला किया। इसके चलते 3.5 रुपए का एक शेयर 2 साल में 1053 पर आ गया। यानी जिस रुचि सोया को बाबा ने सिर्फ 1000 करोड़ में खरीदा था, उसकी कीमत 31,190 करोड़ हो गई। अब इसी कंपनी का 20% हिस्सा पब्लिक इशू के रूप में सामने आ रहा है। इससे आया 4300 करोड़ रुपया कर चुकाने के काम में आएगा। यानी बाबा रामदेव सिर्फ 1000 करोड़ लगाकर 25,000 करोड़ के मालिक बन गए।